विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा कंबाइंड टेक्निकल की और लेखपाल परिणाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। मात्र 3,999 रुपए में ये कोर्स लॉन्च हुआ है सक्षम 2 के नाम। फाउंडेशन कोर्स है, 3,999 रुपए में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। भारत के बेस्ट टीचर जैसे लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सिंह, बहुत सारे टीचर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब आपको पढ़ाएंगे। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये बाईलिंगुअल पढ़ाई होगी, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। उत्तर लेखन अभ्यास, आंसर राइटिंग, डाउट क्लियरिंग सेशन चलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण, प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। क्लास के नोट्स भी मिल, और यही सब चीज़ें आपको बीपीएससी का ये जो सेक्शन 2 कोर्स लॉन्च हुआ उसमें भी मिलेगा। एक बात और है कि यहाँ पर शुरू के 3 दिन बिल्कुल फ्री हैं और ये सारी जो क्लासेस हैं वो ऐप पर चलेंगी। ऐप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आपको एक और छूट भी मिल सकती है, अगर आप एक कोड का प्रयोग करेंगे PSC005, याद रखिएगा PSC005, इसका कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 3499 यानी 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है और यहाँ पर ये कोर्स जो है 22 मार्च से लॉन्च हुआ है और इसकी वैलिडिटी यहाँ पर लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2024, यानी कि 2 साल तक आपको ये सब चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, पीडीएफ सामग्री और टेस्ट सीरीज इत्यादि। तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप लोग आज ही से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा कंबाइंड टेक्निकल की जो भर्ती थी उसकी परीक्षा आज हो गई। काफी दिनों बाद बहुत पुरानी भर्ती थी, इन विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, लगभग 50,000 छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया। अनेक प्रकार के बदल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार की हिंदी पूछी गई थी। यूपी ट्रिपल एससी की यही खासियत है कि कभी अचानक से बहुत सारे साहित्य के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कभी अचानक से बहुत सारा ग्रामर पूछा जाएगा। तो इस बार आप देखेंगे हिंदी में दबा करके लगातार आपको ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा दिखाई देंगे। और पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर साधारण था, न बहुत ज़्यादा कठिन था, न बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जो विद्यार्थी थे वो बहुत कम थे। क्लास में जो 40 लोगों की क्लास थी कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर केवल 12-13 विद्यार्थी या ज़्यादा 15-16 विद्यार्थी, अगर कहीं पर 24 विद्यार्थियों की अगर क्लास थी तो वहाँ पर भी 6-7 या 8 विद्यार्थी, इस तरीके से विद्यार्थी आज आए हुए। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये जीएस वाला जो भाग है सभी के लिए कॉमन था, तो उसमें भी ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ज़्यादा जो हमेशा पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन थे कुछ। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए तो पेपर तो नॉर्मल था, विद्यार्थी कम आए, तो एक साधारण अनुमान के तहत लगभग 30-32% विद्यार्थियों ने आज परीक्षा, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के पद थे और अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई थी, इसलिए इसकी अलग अलग कट ऑफ रहेगी। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनका ये कहना है कि लगभग उनका 70 है, किसी का 75, तो कट ऑफ के लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना। प्रदेश के 3 शहरों में ये परीक्षा हुई, लखनऊ, कानपुर नगर और बरेली। तो जिन विद्यार्थियों का 70-75 के आसपास है वो अच्छा। तो वहीं पर बात कर लेते हैं अब लेखपाल भर्ती की। तो लेखपाल भर्ती की सुनवाई 28 तारीख को ही आप लोग देख सकते हैं डबल बेंच, और इसीलिए 28 तारीख को विद्यार्थियों ने ऐलान किया है कि ये विद्यार्थी एक बड़ा ट्विटर अभियान चलाएंगे। तो आप लोग भी ट्विटर पर आ जाइए अगर ट्विटर पर नहीं है, और ज्यादा देखते हैं कि क्या होता है, चूंकि ये पहले बताया गया कि जब तक कोर्ट में मामला रहेगा लेखपाल भर्ती का तब तक परिणाम जारी नहीं हो। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जहां पर कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और विभिन्न जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने ट्वीट किए हैं। तो वहीं पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, TGT PGT इत्यादि को लेकर के सरकार को घेरा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8,000 ऐसे स्कूल है जिसमें एक टीचर है, 8,000 हायर सेकेंडरी का पता नहीं क्या हो रहा है। आप हेल्थ सेक्टर में कहां पहुंचे हैं, आप और शिक्षा के क्षेत्र में कहां पहुंचे हैं, और सोचिए हमारा आपका शिक्षा क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आने वाली जनरेशन फेस करेगी, सबसे क्रिटिकल मोड पर खड़े हैं हम लोग, सबसे नाजुक स्थिति में पहुंच गया है हमारा शिक्षा का विभाग। आप प्राइमरी एजुकेशन देखो कहां पहुंच गई, 8,000 ऐसे स्कूल है जिसमें एक टीचर है, 8,000
हायर सेकेंडरी का पता नहीं क्या हो रहा है। आवाज दो, आवाज दो। ये धरना प्रदर्शन है, ये आज भी चल रहा है, चौथा दिन है। विद्यार्थी लगातार डटे हुए हैं लखनऊ में, और जो भी लखनऊ के आसपास के छात्र हुए उनका मनोबल बढ़ाएं। जो बहुत दूर के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। भर्ती जिंदा रहनी चाहिए, भर्ती बंद नहीं होनी चाहिए, लगातार मांग करते रहिए। अधिकारियों ने कोई नई बात नहीं कही है, हमको यही उम्मीद थी कि अधिकारी यही कहेंगे कि हमारा अनुपात समानुपात सही है, जबकि वास्तविकता सब कोई जानता है। बहुत सारे प्रपत्र हैं जो 3 जनवरी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बीएसए इत्यादि ने भेजे हैं कि हमारे यहाँ 10 हमारे यहाँ 1000 पद खाली, हमारे 1500 पद खाली, हमारे 700 पद खाली हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, अगर इसकी अच्छी तरीके से जांच की जाए तो सही आंकड़े निकल करके आएंगे। सरकार झूठ बोल रही है कि हमारा अनुपात ये है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। प्रदेश में लाखों पद रिक्त भर्ती का। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।